अगर दोस्तों आप एम एस एक्सेल में अपना घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम एम एस एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल में हम टेबल्स का यूज़ करते हैं, और टेबल्स जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, मतलब टाइम सेविंग ऑप्शंस होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे टाइम सेविंग ऑप्शंस बताने वाला हूँ सारे के सारे, जो आपके काफ़ी हेल्प करेंगे आपके ऑफिस के वर्क में। और अगर आप एम एस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट कीज यहाँ पे जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए, जो कि है www.pctips.in। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, फ्री में ई बुक्स मिल जाएंगे, और साथ ही में अगर आपने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों ऐसे अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिया रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एमएस एक्सेल के टेबल्स के कुछ टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम काफी आसान बना देगी। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे जब भी हम एक्सेल में कोई भी टेबल्स में काम करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल टी। जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और साथ ही में यहाँ पे देखिए डांसिंग लाइन्स आ जाएंगी, मतलब आपका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बताएगा आपको कि टेबल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो जस्ट आप यहाँ पे देखिए ओके प्रेस करेंगे, और साथ में ऑप्शन दिया है कि माय टेबल हैज़ हेडर्स, मतलब अगर आपके टेबल में कोई हेडर रो है, जैसे कि मेरे टेबल में है, तो आपने टिक करना है। अगर नहीं है तो आपने इसको अनचेक कर देना है, देन ओके प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। और जैसे ही टेबल में कन्वर्ट होएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे, वो होता है आपका यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का मेन्यू टैब। इस मेन्यू टैब की मदद से आप सारी टेबल की डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजिली यहाँ पे कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे टेबल स्टाइल्स का, मतलब अगर आपने टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके जो सा भी स्टाइल आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करना, तो यहाँ पे देखिए रिमूव फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी है, मतलब कुछ भी आप फॉर्मेटिंग नहीं रखना चाहते तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी फॉर्मेटिंग रिमूव भी कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो टेबल डिज़ाइन में दिया गया है, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा, वो होता है आपका टेबल नेम का। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल का नाम है टेबल वन, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली इसका टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्स डाटा और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका टेबल का जो नाम है वो सेल्स डाटा आ गया है। और अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मैंने टेबल का नाम चेंज क्यों किया है और इसकी मदद से आप अपना काम और भी जल्दी कैसे कर पाएंगे। और दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हमने अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया तो आपका देखिए जो रोज़ है वो अलग अलग कलर में हो गई है, मतलब फर्स्ट ये वाली ब्लू कलर में है, सेकंड वाइट है, देन अगेन ब्लू है। इन रोज़ को बोलते हैं हम बैंडेड रोज़। इसका मतलब है कि जब आप रीड करेंगे कोई भी डाटा अपने टेबल में तो आप ईजिली यहाँ पर रीड कर पाएंगे और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये बैंडेड रोज़ अगर आपने हटानी है तो टेबल डिज़ाइन में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंडेड रोज़ का, तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो हट जाएगी, और टिक कर देंगे तो आप इसको यहाँ पे अगेन एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट टिप की तरफ, वो होता है आपका पिन हेडर्स। अब जैसे कि आपको पता है, जब आपका डाटा देखिए काफ़ी बड़ा होता है एक्सेल में, और अगर आप चाहते हैं जो आपकी हेडर रो है वो एक जगह फिक्स होए और बाकी का डाटा आपका मूव हो, तो ज़्यादातर हम जाते हैं यहाँ पे व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्री स्पैन्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से हम फ्रीज करते हैं टॉप रो, ताकि आपकी जो टॉप की रो है वो मूव ना हो। लेकिन दोस्तों टेबल्स में ऐसा नहीं है, टेबल्स ऑटोमेटिकली आपके हेडर रो को पिन कर देता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करूँगा तो जो आपकी हेडर रो है बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे पिन हो गई है, मतलब जितना भी आपका हेडिंग है वो आपको टॉप पे नज़र आ रही है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा डाटा कौन से कॉलम में है और कौन सा डाटा किस डाटा रेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो पिन हेडर का ऑप्शन आपके लिए काफ़ी काम आएगा अगर आप एम एस एक्सेल में टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो होता है आपका फिल्टर्स का। अब जैसे कि हमने अपने डाटा कन्वर्ट किया टेबल्स में, तो आपको यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया जाता है, मतलब आप डाटा को यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं।
अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर करना है, मैंने देखना है पेंसिल का डाटा, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा और सिर्फ यहाँ पे मैं पेंसिल सिलेक्ट कर लूँगा और ओके प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे सारा डाटा यहाँ पे फिल्टर हो गया है। इसी ढंग से दोस्तों आप जो भी डाटा फिल्टर करना चाहते हैं, फिल्टर बाय अल्फ़ाबेट्स या फिल्टर बाय नंबर या टेक्स्ट फिल्टर, वो आप सारा यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई आइकन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, फिल्टर को और भी डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है फिल्टर का ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं टेबल्स में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वो होता है आपका स्लाइसर का, और स्लाइसर भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज वे में रख भी सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे टेबल डिजाइन के टैब में, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्लाइसर का। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि आपने किस कॉलम का यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे लेट्स से रीजन का, और यहाँ पे मैं आइटम भी ऐड करना चाहता हूँ स्लाइसर में, तो मैंने दोनों यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिए हेडिंग्स और ओके प्रेस किया, तो देखिए दो स्लाइसर इंसर्ट हो गए हैं। और स्लाइसर का मतलब होता है कि ये आपका फ्लोटिंग देखिए डायलॉग बॉक्स होता है जिसको आप कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं और जिसकी मदद से आप अपने डाटा को यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए रीजन तो हमारा सारा सेंट्रल है, तो सेंट्रल यहाँ पे सिलेक्टेड है, और आइटम मैं चाहता हूँ सेंट्रल रीजन में जो पेन का आइटम है वो हमारा आ जाए, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए पेन का यहाँ पे डाटा ऑर्गेनाइज हो गया है, मतलब फिल्टर हो गया है। उसी ढंग से अगर मैं डेस्क का चाहता हूँ तो डेस्क का भी यहाँ पे फिल्टर हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप स्लाइसर देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे स्लाइसर का अलग से बॉक्स मिल जाएगा जहाँ से आप अपने स्लाइसर का जो भी डिज़ाइन रखना चाहते हैं वो आप डिज़ाइन यहाँ पे रख सकते हैं सिलेक्ट करके, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी डाटा की जो भी फॉर्मेटिंग है वो भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं स्लाइसर डिलीट कर लेता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट प्रेस करता हूँ ताकि हमारे दोनों स्लाइसेस यहाँ से रिमूव हो जाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ, वो होता है आपको स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग। मतलब अगर आपने एक्सेल में अगर टेबल बनाया है और अगर आप न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड कर लेता हूँ ग्रैंड टोटल का, ठीक है, तो मैंने ग्रैंड टोटल लिखा और एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल ने खुद रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जो आपने नया कॉलम ऐड किया है ये टेबल की फॉर्मेट में ही आएगा, मतलब इसी रेंज के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे देखिए टोटल कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इक्वल टू प्रेस करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे जो यूनिट्स है इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ यूनिट कॉस्ट के साथ, तो जस्ट मैंने यूनिट वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखिए नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा रहा है @unit, मतलब सेल का नाम नहीं लिखा रहा है, मतलब एक तरह से इसने रेफरेंसिंग का यूज़ किया है, इस सेल की जो हेडिंग है इसका यूज़ किया है, ना कि इस सेल का नाम यूज़ किया है। और अगेन मैं यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट कॉस्ट लिखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट कॉस्ट आ गया, तो इसकी मदद से आप देखिए अपने डाटा को ईजिली यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे सारी जगह इसने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ये आ रहा है, और अगर मैं नीचे करूँ तो आप देखेंगे सारी जगह एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा आ रहा है, ना कि अलग अलग सेल का नाम लिखा आ रहा है, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग। अभी तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल्स के साथ ही यहाँ पे स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग करी है, लेकिन अगर आप अपने डाटा की स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग आउटसाइड द टेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ढूंढना है टोटल यूनिट कॉस्ट, तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर्मूला जैसे कि सम का, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे लिखता मैंने सम, ठीक है, उसके बाद मैं टैब बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे सम निकालना जो कि हमारे यूनिट कॉस्ट का, मतलब ये वाली जो वैल्यूज दी गई है इनका सम में सम निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा और टेबल्स के बिल्कुल देखिए टॉप पे यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा, तो देखिए ब्लैक एरो यहाँ पे दिख जाएगी, और जैसे मैं इस ब्लैक एरो पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स डाटा लिखा आ रहा है। सेल्स डाटा हमने टेबल का नाम दिया था, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले दिया था, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे टेबल रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो रही है कि ये वाला डाटा सेल्स का है, और यहाँ पे सेल्स डाटा देखिए पूरा लिखा रहा है, और सेल्स डाटा के अंदर हमारी कॉलम है यूनिट कॉस्ट का, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया है। और जस्ट मैं यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए टोटल यहाँ पे आ गया है, और इस टोटल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा गया जो कि है सेल्स डाटा यूनिट कॉस्ट। तो इस ढंग से आप स्ट्रक्चर रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं आउटसाइड द टेबल ऑल्सो। और अगर आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है जैसे कि ये वाला, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू और यहाँ पे लिखा मैंने सम,
टैब बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब मैं सम करना चाहता हूँ यहाँ पे ग्रैंड टोटल का, तो जस्ट मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल पे गया, अपनी एरो की ऊपर लेके गया तो देखिए ब्लैक कलर की एरो की आ गई है, तो जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे आपका ग्रैंड टोटल का जो वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ जो आपका टाइम काफी बचाएगा, मतलब टाइम सेविंग ऑप्शन है जो आपको एमएस एक्सेल में टेबल्स में मिल जाएगा, वो था आपका टोटल रोज का। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं गया यहाँ पे टेबल डिजाइन में, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे टोटल रो का। आइए देख लेते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करके टेबल डिजाइन में गया और टोटल रो पे यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तरह से एक टोटल आ गया आपके सामने पूरी रोज का। जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू है हमारी 16,395 जो हमने टोटल किया था ग्रैंड टोटल, वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन खास बात क्या है इस फंक्शन की, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे एक फिल्टर का मतलब एक एरो की ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। अभी अप्लाई हुआ वह सम, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एवरेज ढूंढना या काउंट ढूंढना या मैक्स ढूंढना तो आप इजिली यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं एवरेज ढूंढना चाहता हूँ कि मुझे एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे देखिए एवरेज आ गई है। इसका मैं यहाँ पे सम ढूंढना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सम पे सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे सम इजिली यहाँ पे आ गया है। मतलब आप हर सेल में जो भी आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो आप फॉर्मूला इजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टोटल रोस की मदद से, जो आपको मिलेगा यहाँ पे टेबल डिजाइन के ऑप्शन में वो होता है आपका टोटल रो का। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं एमएस एक्सेल और भी डिटेल में तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट पे चल जाइए जो कि www.creativelearningbyritesh.in, या आप हमारी खुद की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पे मोबाइल ऐप पे जाएंगे आपको यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जैसे आप हमारे कोर्सेज में यहाँ पे एनरोलमेंट करेंगे आपको हर वीडियो का यहाँ पे देखिए लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप सीख के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब पाने के लिए मदद करेगा। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। मिलते दोस्तों इस कोर्स में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।